अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे रॉटवाइलर वर्सेस गोल्डन रिट्रीवर के बारे में। दोस्तों, रॉटवाइलर का ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था और पहले इन्हें इसी काम के लिए यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद इन्हें मीट से भरे हुए कार्ड खींचने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रॉटवाइलर को बहुत से कामों के लिए यूज़ किया गया था, जैसे एज अ मैसेंजर डॉग, एज अ गार्ड डॉग और एज अ पुलिस डॉग। रॉटवाइलर को आज भी बहुत से जगहों पर एज अ पुलिस डॉग यूज़ किया जाता है। गोल्डन रिट्रीवर का ओरिजिन स्कॉटलैंड से है। इन्हें एज अ गन डॉग ब्रीड किया गया था ताकि जब कोई हंटर डक या फिर वाटरफॉल को मारे तो गोल्डन रिट्रीवर जाके उसे लेकर आए, यानी रिट्रीव कर सके। इसी एबिलिटी के वजह से उनके नाम के आगे रिट्रीवर लगता है। आज के टाइम में गोल्डन रिट्रीवर के तीन टाइप्स है, वो है अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर, कनेडियन गोल्डन रिट्रीवर और ब्रिटिश गोल्डन रिट्रीवर। अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से अच्छा फैमिली डॉग कौन सा है। रॉटवाइलर अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छे फैमिली डॉग भी बन सकते हैं, लेकिन इन्हें अच्छी ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल सके। वहीं गोल्डन रिट्रीवर की बात करें तो गोल्डन रिट्रीवर सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी, और ये फैमिली मेंबर्स के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं और सबके साथ इजीली रह सकते हैं। गोल्डन रिट्रीवर वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स में से एक होते हैं और ये छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। अब हम जानते हैं गोल्डन रिट्रीवर और रॉटवाइलर के हाइट के बारे में। ये दोनों ही डॉग मीडियम टू लार्ज साइज के डॉग हैं। गोल्डन रिट्रीवर की एवरेज हाइट फीमेल्स में 20 इंचेस से लेके 23 इंचेस तक होती है और मेल्स में 22 इंचेस से लेके 24 इंचेस तक होती है। और रॉटवाइलर में फीमेल्स की एवरेज हाइट 22 इंचेस से लेके 25 इंचेस तक होती है और मेल्स की एवरेज हाइट 24 इंचेस से लेके 27 इंचेस तक होती है। तो रॉटवाइलर गोल्डन रिट्रीवर से साइज के मामले में थोड़े बड़े होते हैं। अब बात करते हैं एडेप्टिबिलिटी के बारे में। रॉटवाइलर और गोल्डन रिट्रीवर दोनों ही मीडियम टू लार्ज साइज के अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर अपने आसपास के वेदर को अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकता है रॉटवाइलर के मुकाबले। गोल्डन रिट्रीवर ठंडे और गर्म वेदर में खुद को अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बारे में। मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की रैंकिंग में गोल्डन रिट्रीवर नंबर 4 पर है और रॉटवाइलर नंबर 10 पर। इसीलिए इन दोनों डॉग्स को आप इजीली ट्रेन कर सकते हैं बिना ज़्यादा मुश्किल के, और सारी डॉग ब्रीड्स की तरह आपको इन्हें बचपन से ही ट्रेन करना होगा। अगर सोशलाइजेशन को देखें तो रॉटवाइलर को ज़्यादा सोशलाइज करना पड़ता है। आप इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दीजिए और अच्छी तरीके से दूसरे डॉग्स और ह्यूमंस के साथ मिलवाइए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए नहीं होते। अब हम जानते हैं कि इनमें से किसको मेंटेन करना ज़्यादा ईजी होता है। रॉटवाइलर का शॉर्ट कोट होता है और इन्हें ग्रूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल्डन रिट्रीवर का लॉन्ग कोट होता है और इन्हें रॉटवाइलर के मुकाबले ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और शेडिंग सीजन के दौरान इनके कोट को आपको अच्छी तरीके से कोम करना पड़ेगा। रॉटवाइलर की प्राइस इंडिया में 18 से लेकर 23,000 तक हो सकती है और गोल्डन रिट्रीवर की प्राइस इंडिया में 20 से लेकर 25,000 तक हो सकती है। रॉटवाइलर का एवरेज लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 ईयर्स तक होता है और गोल्डन रिट्रीवर का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 ईयर्स तक होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड गोल्डन रिट्रीवर वर्सेस रॉटवाइलर के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।